and count. Clap. मैं क्या ख्याल चाल रहे हैं, सब ठीक ठाक? पद्मावत के तो ठीक ठाक नहीं चल रहे, आपको पता ही है माहौल क्या चल रहा है हमारे देश में फिलहाल। इसी साल 25 जनवरी को जो रिलीज हो रही है मूवी हमारी पद्मावत, उसमें एक बड़ा बदलाव किया जा चुका है। फिल्म के एक गाने घूमर में जहां दीपिका पादुकोण की कमर नजर आ रही थी ना हल्की सी, अब उस गाने में बड़ा बदलाव करते हुए दीपिका की कमर को ढक दिया गया है। ये सब कमाल हुआ कैसे? ये होता है VFX। हाँ, VFX का कमाल था इसलिए ये धमाल था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सेंसर बोर्ड के निर्देशानुसार ये बदलाव किया गया है फिल्म के गाने घूमर में। खबरों की माने तो इस गाने के नए वीडियो को बिना दोबारा शूट किए ही बदल दिया गया है। फिल्म का टाइटल बदलने के बाद, जैसा कि मैं बता रहा था कि घूमर गाने में भी VFX की सहायता से बदलाव कर दिए गए हैं। गाने को बिना दोबारा शूट किए ही इस टेक्निक के जरिए दीपिका पादुकोण की कमर को छिपा दिया गया है। गाने का जो भी लेटेस्ट ऑफिशियल वीडियो चल रहा है ना, उसमें दीपिका पूरी तरह से कपड़ों से ढकी हुई नजर आ रही है। अब देखो, दीपिका पादुकोण भी तो कहेगी ना कि मैं दोबारा डांस करने के पैसे लूंगी, और जो पीछे क्रू मेंबर्स हैं वो भी कहेंगे कि हम तो जी पैसे लेंगे जी, कुछ भी कर लो। हर कोई अक्षय कुमार जैसा बड़ा दिल वाला थोड़ी होता है कि भाई तू मूवी रिलीज कर ले, मैं बाद में कर लूंगा, क्यों जी? नहीं, वैसे एक बात है कि जब VFX से काम हो ही सकता है तो क्या करना है किसी के एक्स को लाके, दीपिका पादुकोण को दोबारा से नचा के? तो गौरतलब है कि जहां दीपिका पादुकोण के फैंस घूमर गाने में एक्ट्रेस के अंदाज के कायल हो गए हैं, वहीं करणी सेना जैसे कई राजपूत संगठन इस गाने के विरोध में उतर आए हैं। यहां तक कि मेवाड़ के राजघराने ने भी फिल्म के साथ साथ इस गाने पर आपत्ति जताई है। ये बहुत बड़ी बात हो गई है यार, मतलब विरोध पर उतरे कई ऑर्गेनाइजेशन जितने भी आसपास ये जो लोग घूम रहे हैं ना हमारे, घूमर गाने के विरोध में कहा कि राजघराने की रानियां इस तरह सबके सामने नहीं नाचती हैं, और इस तरह कमर दिखाकर नाचना तो और भी शर्मसार है। इन संगठनों ने मेकर्स पर यह आरोप लगाया कि इस तरह के गाने के जरिए वे चित्तौड़ की महारानी पद्मावती का अपमान कर रहे हैं। इन संगठनों ने इतिहास से छेड़छाड़ करने और उनकी विरासत का अपमान करने का आरोप लगाया, जिसके बाद फिल्म के नाम के साथ गाने में भी बदलाव किए गए हैं। वैसे आपको बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मूवी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में इसको दिखा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को उज्जैन की करणी सेना और रायपुर की सर्व राजपूत क्षत्रिय महासभा मानने को तैयार नहीं है। उज्जैन के करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कलवी का कहना है कि फिल्म पद्मावत के रिलीज के दिन 25 जनवरी को जनता कर्फ्यू लगेगा। किसी का फिल्म देखने का मन है तो मेरा मानना है कि फिल्म नहीं देखें, कल मुंबई में चर्चा की जाएगी फिल्म के प्रदर्शन पर। तो मतलब ये तो गलत बात है यार, मतलब अब डर के मारे कोई मूवी भी ना देखने जाए कि तोड़ फोड़ ना हो जाए वहाँ पे। यार ये बड़ा गलत कर रहे हो, चुपचाप कानूनी तरीके से काम कर लो यार। वहीं राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश सचिव जीवन सिंह सोलंकी का कहना है कि कहीं भी हिंसा होगी उसके लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट होगा। कौन होता है सुप्रीम कोर्ट बैन हटाने वाला? वहीं दूसरी तरफ रायपुर के सर्व राजपूत क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह जुदेव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनका समाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि फिल्म पद्मावत के खिलाफ विरोध जारी रहेगा। तो अब देखने वाली बात है कि जिस दिन मूवी रिलीज होगी उस दिन क्या होगा। वैसे छुट्टियां भी स्टार्ट हो जाएंगी उस दिन से, मुझे लग रहा है कि जो लॉन्ग वीकेंड आ रहा है 25 से 28 वाला, 25, 26, 27, 28, तो क्या ये वेस्ट ना हो जाए लोगों का कि लोग निकले घर से बस में या गाड़ी में और रास्ते में पता लगे कि कर्फ्यू लग चुका है, जाम लग चुका है, क्यों? ये थोड़ा दुखद है। खैर, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।